वेलकम टू कश्मीर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। तो आज अभी 24 तारीख संडे, तो अभी हम उठ चुके हैं, तो बाहर का नज़ारा देख लें। तो रात को दिखा रहे ये बाइकर्स लगे, अपनी बाइक ये लगी हुई थी। तो सुबह का नज़ारा अभी ये है, लेक सामने। निकलेंगे सोनमर्ग के लिए, ऐसे हो चुके हैं तो रेडी शेडी होके आधा पौना घंटे में तो फटाफट से अब निकलेंगे सोनमर्ग के लिए। यहाँ से आई थिंक 180-190 किलोमीटर है, तो 3-4 घंटे लग सकते हैं कंडीशन ऑन द रोड के हिसाब से। बाकी फिर फटाफट से आपको सीधा मिलते हैं बाइक पे। रेडी सेडी गो ऑल सेट। तो सूर्य देवता भी आ चुके हैं, थोड़ा सा पहले क्लाउडी सा मौसम था, तो फिलहाल अब बढ़िया है। बाइक अपनी रेडी है, सामान मैंने अपना जैकेट वगैरह रख ली थोड़ी बहुत ही, फिर ठंड हो तो उसकी वजह से दिक्कत ना आए। तो हम जा रहे हैं अभी सोनमर्ग। तो पॉसिबल हुआ था कि जोजिला पास तक जाऊंगा अगर हुआ ओपन, तो नहीं तो सोनमर्ग से वापसी हमारी आज। तो डे टू के लिए करते हैं शुरुआत फटाफट से। बाकी नज़ारे यहाँ के मैं होटल दिखा दूँ, ये हमारा सामने होटल है। तो रिजवान पड़ा हमें अच्छे से, तो ये देखो शिकारा नीचे लगे हैं। तो ये लेक नहीं है वैसे, तो लेक शायद आई थिंक पीछे है, तो ऐसे पानी है तो वही खड़े सीधा यहाँ से। चलो गाइस महादेव बम बोले, बढ़ते हैं फिर आगे सोनमर्ग के लिए। तो यहाँ से 89 किलोमीटर है सोनमर्ग, 2.5-3 घंटे एवरेज लेके चलोगे लग जाएंगे। हाँ दे नजारे ओके। तो मंदिर भी है, जा रहे हम सामने। कहाँ लिखा नजारे, कहाँ लिखा श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए। गलती ग्लास रखना नहीं चाहिए थे उसमें के लिए, तो उस तरफ जाना पड़ेगा। नहीं कहने मर्जी तो इधर राइट होना, हाईवे उधर नहीं ही। किसी से पूछा है तो इस तरह से बता रहा है कि हाईवे मिलेगा आपको, ऐसे बीच में जा रहे रास्तों में। देखो कितना खूबसूरत है, बढ़िया चीजें वही ना। मैंने गूगल मैप वो सीधा बता रहा था, उसमें लिखा नहीं था, मैंने कहा समझा वो लिखा भी नहीं आ रहा कहीं रास्ते में, तो हाईवे बता रहा है कि आगे आगे हाईवे है। हाईवे आ गया जी, अब लेफ्ट होना हमने, तो फाइनली जी हाईवे आ गया जी हम। धन्यवाद, अब पड़े हैं जी हाईवे पे, चलते हैं फिर। कुछ भी नहीं आए हम। हाँ जी की है ग्लास पाए थे जी, ठंड लग रही है भाई, अब गर्म थे वो भी, वो छोड़ा है। अच्छे से पहाड़ स्नो तो मजे आ रहे हैं राइड करने में। रोड एकदम मक्खन अब, ओए कितना अच्छा बना। नज़ारे व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, जो शेड्स पड़ रही हैं सूर्य देवता की बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। खुली वैली है और देखो नहीं आ रहे। ओ हो हो हो, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ओ हो हो हो, अलग जगह में अब थोड़ा सा अलग दुनिया में लग रहे हैं कि दुनिया अलग जगह पे आए हैं। बरखा ना है, ठंड बहुत ज़्यादा है अब लग रही है, वैसे तो नॉर्मली था। मैनी गांव आया 0.0, मैनी गांव आ गया। कितने किलोमीटर है ले है जी, 440, करगिल है 200, बाजदाल है 70, सोनमर्ग है जी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है अभी जी, तो आपने सीधा जाना है जी 402 किलोमीटर यहाँ से। 170 किलोमीटर द्रास, 117 किलोमीटर देख रहे हैं। अब नज़ारे शुरू हो गए मजे मजे से, एकदम मक्खन है भाई, इतना मज़ा आ रहा है ना बाइक चलाने का, अलग ही नज़ारा है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, कपड़े तो जैकेट भी पहनी हुई है मैंने, वैसे वो भी पहना अपना गर्म, तो फिर भी ठंड लग रही है, हवा चल रही है। बने रहना व्लॉग के साथ, ठीक है जी। तो पहली बार आ रहा हूँ मैं इस तरह श्रीनगर, तो काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी सालों से आने का प्लान था, पर अभी एक लक्ष्य रह गया, वो था ले, वो नहीं जा पाऊँगा। तो आई होप इस साल भगवान जी कृपा करना कि हम इस बार दोबारा इस बार आएँ और ले जाना है, क्योंकि ले जाना है। तो
तो बड़े सालों से ले जाना है, तो इस तरफ तो आ ही नहीं पा रहे थे, तो श्रीनगर तो आ गए हैं पर अभी ले नहीं जा सकते। नज़ारे इस बार फिर देखें, मज़ेदार। एक बार सर्दियों में आए हैं, थोड़ा सा होली है तो कल होली है, तो बाकी नज़ारे आप इंजॉय करिए। साथ साथ नदी बह रही है, सामने पहाड़ खूबसूरत, रोड एकदम मक्खन, ट्रैफिक हो गया थोड़ा सा, पड़े दोनों वक्त जा रहे हैं। तो वन डे वन के लिए अच्छा प्लान कर सके श्रीनगर से, तो वापसी हम आज कर लूँ उल्टा। तो फिर भी हम पूछ के थोड़ा सा आगे इस रास्ते में नज़ारे। सोनमर्ग 34 किलोमीटर है अभी भाई, रास्ता तो बड़ा मज़ेदार है, फुल हाईवे है, अगर दिक्कत नहीं है आपको, गाड़ी में आ रहे हो बाइक में आ रहे हो मज़े से आ सकते हो आप। ये बालटाल 49, सोनमर्ग 34, रास 96, करगिल ले 379। सामने आप देख ही रहे हो नज़ारे खूबसूरत। भूख लगी हुई थी ज़्यादा, उसने मज़ेदार बनाया नहीं कुछ। कॉफ़ी तो इतनी टाइम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाओ, अच्छे से बनाओ यार, क्या है 40 रुपए की कॉफ़ी थी, कॉफ़ी 40 की ओवर क्वांटिटी तो दे, चलो ठीक है कोई नहीं छोड़ो, चलते रहते टूर, जब ट्रिप हो ऐसे जाते हैं चलती रहती हैं, सब कुछ हर जगह नहीं मिलता। तो आप हम अपना राइडिंग इंजॉय करेंगे और आप भी कर रहे हो साथ, ठीक है जी। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करते रहो, मज़ेदार कम्युनिटी समेत हो गई, कितना मज़ा आता है जब राइड हो, ऐसी लोकेशन मिल जाए आपको बाइक राइड करने में, तो अलग ही मज़ा आ जाता है। इस हर बार के नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, तो श्रीनगर पहली बार था मेरा आना, काफ़ी सालों से प्लान कर रहे थे आने का और ऐसे बन नहीं रहा। काफ़ी खूबसूरत है इस तरफ का रास्ता जो अभी हम आए हैं, बाकी आप देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर माउंटेन। आप बने रहो ब्लॉग के साथ, इंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके भी, ठीक है। बर्फ़ में देखते हैं कितनी बर्फ़ नहीं है, वो सोनमर्ग में ही है, यहाँ पे भी बर्फ़ नहीं है आसपास। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, सभी ने शेड डाल रखी है, बर्फ़ पड़ती होगी तो इसकी वजह से नहीं जा रहे। अब फीलिंग आ रही है जो राइडर वाली, जो पहाड़ों पर चलाना है बर्फ़ के आगे, वो वाली जा रही है। अब लग रहा है कि राइड चला रहे हैं भाई, पहले तो लोकल ही ऐसा लग रहा था, वहीं चला रहे हैं, मज़ा आ रहा है। रास्ता भी बड़ा इतना खूबसूरत है और रोड कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे से इंजॉय करना आप भी राइड। और सामने वाला पहाड़ बड़ा खूबसूरत लग रहा था, अब स्पीति की याद आ रही है, स्पीति जैसा लग रहा है, चितकुल, हाँ चितकुल जैसा लग रहा है अभी, चितकुल भी ऐसा लग रहा है। ओपन हुआ तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर सोनमर्ग ही है, वहाँ से लगता है 25-30 किलोमीटर है कहते हैं सोनमर्ग से, वहाँ जाके क्या सीन है। और पहले सोनमर्ग क्रॉस करें या सोनमर्ग क्रॉस करके देखते हैं कि क्या मीटर है। ओह माय गॉड, अल्टीमेट सोनमर्ग 19 किलोमीटर पास, मेरे साथ मेरे हो तुम यूं, खुद को मैं हार गया। और रास्ता थोड़ा सा खराब हुआ, टनल बनी है उसकी वजह से, ये वाला रास्ता चेंज बंद कर देंगे, उसके बाद जो टनल बन जाएगी वही टाइम लगेगा मेरे को लगता है। ये हाईवे है, कितने खूबसूरत पहाड़ है, स्नो यहाँ पे पड़ी हुई थी पहले, काफ़ी नज़दीक आ गया अब स्नो के, पानी आ रखा ऊपर से, टनल बने हुए, कितने खूबसूरत है अल्टीमेट स्नो पिक्स। और ये सामने, और ये अपनी लगी बैठ, ये नज़ारे बुरे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी गाड़ी जा रही है, बंदे की वेट करें हमारा पीछे, वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़। ये जगह नदी बह रही है तो उसका पानी बहुत क्लियर है, नीला हो रखा है, बर्फ़ आ चुकी है, और देखो नज़ारे शुरू हैं भी अब, ओ ये सामने वे हूँ अल्टीमेट, फोटो कट लो इतने नज़ारे पूरे यार कटे ना इन्होंने, बर्फ मिल गई, बर्फ मिल गई भाई लोगों को, बर्फ मिल गई हमें गाइस। ओहो ये अजीब पहाड़, अब बर्फ के पहाड़ देख लो, अब ये अल्टीमेट नज़ारे अब शुरू हुए हैं गाइस, पानी नज़ारे की, आगे कहीं बर्फ नहीं थी, ये सोनमर्ग रह गया 10-12 किलोमीटर, यहाँ पे बर्फ है अभी तक, गंदी हो रखा है अब मिट्टी की वजह से, ट्रैफिक भी ज़्यादा है ना इसलिए गंदे हो रखे हैं, वाइट नहीं है इतनी, गंदी हो रखी है, बर्फ जमी हुई है अभी तक, ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया अब। सिंगल वे है जी, तो आराम से आओ, यह नज़ारे जी यहाँ पे है भी 15-15 फट बर्फ अल्टीमेट,
पूरा लग रहा है बर्फ, जैसे मिट्टी होती है ना वैसे बर्फ लग रही है। देखते हैं आगे कहां तक जा सकते हैं, एंजॉय करेंगे और क्या है। बाकी नज़ारे हैं, खूबसूरत वैली, अल्टीमेट बर्फ जाना है। यहाँ तो पूरी बर्फ है जी। जोजीला टनल प्रोजेक्ट आ चलन दिया, जोजीला टनल प्रोजेक्ट तो सीधा लगता है जोजीला तक ही जाएगा वो। लेट फाइंड आउट करते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। अल्टीमेट ये ही सोनमर्ग सर, आगे जोजीला ओपन होगा, जोजीला पास जोजीला बंद होगा। अच्छा सारे गाड़ी, अच्छा लगाते कोई नज़ारे। स्नो पीक, स्नो आ गई पूरी पूरी, अब इंजॉय कर रहे हैं लोग अपना। थोड़ा सा जोजीला तक चले जाएं पर वो क्लोज्ड है जी। यहाँ पे अल्टीमेट नज़ारे, अब देख रहे हैं बाइक कहाँ तक जा रही है, वापस आ जाएंगे थोड़ा सा आगे घूम के। अल्टीमेट जी अल्टीमेट, काफ़ी बर्फ है जी यहाँ पे। एक बहुत ज़्यादा क्राउड था तो मैं कहा थोड़ा एक बार आगे तक हो आए फिर तक। ये वैसे भाई कहाँ रुकेगा, एंट्री बंद है, डाउन है यार। अच्छा जोजीला तक तो नहीं जा पाएंगे ना, जोजीला आगे पोर्ट है। अच्छा अच्छा जोजीला ठीक है, हाँ चलो आ जाइए अगे तक। कहते पोस्ट हैगी तक आ जाना, बंद का होगा वापस के जाएंगे। तो आगे तक आ गए जी देखने के लिए क्या है यहाँ पे, सब बंद रखा है उन्होंने। आई थिंक ये गाड़ी इन्होंने उधर ही जानी है, वहाँ वो एक बना साल किया होगा, इन्होंने बाद जान देंगे चेक पोस्ट तक कहाँ तक जाने देते हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। फोटो सेशन देखते हैं यहीं तक करें बंद, इसके आगे नहीं जाने देंगे लगता। बस यहीं तक था तो आगे बंद है। अभी हम थे सोनमर्ग से आगे जो योजिला पास के देखने की कोशिश कर रहा था कि जा पाए, पर बंद है वो। यहाँ पे चेक पोस्ट है सोनमर्ग से पहले इन्होंने रोक रखा है। तो दो भाई लग भाई लोग भी आए थे तो वो करगिल जा रहे थे, वो भी बंद है तो बाइकर वगैरह नहीं जा रही अभी। यहीं से वापस जाएंगे अब, सोनमर्ग घूमेंगे और वापस अपना श्रीनगर और उसी तरफ से चले जाएंगे। अब नज़ारे चेक करो खूबसूरत, भाई लोग असम से आ रखे हैं। तो कहाँ से आए आप, असम से? अच्छा अच्छा ऐसे बैठे लोग फिर वो कहाँ जा रहे थे आप, कहाँ जा रहे थे? हेलो थोड़ा बहुत अभी छोड़ा नहीं क्या अभी उधर से? अच्छा एक टाइम एक दिन में वही होगा ना, दो दिन से आप दो दिन से इधर ही हो, अभी दो तीन दिन और लगेंगे ना है? और नहीं ओके जी, टायर भी फिसल जाए, ब्लैक आइज होनी उत्थे राम घूम के सोनमर्ग ही जाएगा। तो हम नीचे से ही चलते जहाँ से आए हैं। बर्फ देखो कितनी ज़्यादा है, आप सामने देखो आप अल्टीमेट नज़ारे है। तो अब लग रहा है काजा की तरफ, पर यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है थोड़ा सा। मेरे तो चल जाना था, मैं कहता हूँ कपड़े जीन नहीं गली होगी, एक बार थोड़े हैवी भी हैं चलने में मुश्किल होती है, और एक बार तो डाल लेते हैं। नज़ारे हो रहे बर्फ में, एक्साइज हो गई। अब देखो बर्फ कितनी ज़्यादा है, अब लग रही हो भाई साहब मुझे हो ज़्यादा भाई, कहीं भी घुस जाएगा पैर। ऊपर आपको दिखाते हैं नज़ारे अभी, ठीक है गाइस। जय शंकर, वो बच्चे भी है मैं अल्टीमेट। वेलकम टू कश्मीर।